घड़ी हमारा जन्म होता है उस समय हमारा एक भाग्य चक्र तैयार हो जाता है, हमारी जिसे हम बोलते हैं कुंडली। उस कुंडली में वो नौ ग्रह किन भावों में बैठे हैं, क्या फल दे रहे हैं और क्या हमें उससे लाभ मिल रहा है, क्या हानि मिल रही है, किस ग्रह की दशा मिल रही है, चल रही है और ये ग्रह हम पर क्या असर कर रहे हैं, क्या हमें परेशानियाँ दे रहे हैं, क्या हमें रोग बीमारियाँ दे रहे हैं, कैसे हमारा जीवन ऊंचाइयों पर पहुँचेगा, किस तरह से हम विकास करेंगे, ये सब कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ और टाइम से ही तय हो जाता है। जो आपकी भाग्य चक्र बनता है उससे तय हो जाता है। ग्रहों की स्थितियां बताती हैं कि आपके जीवन में किस समय तरक्की आएगी, किस घड़ी आपका जो ग्रह दशाएं चलेंगी, कैसा फल देने वाली हैं आपको, अकॉर्डिंग आपको भाग्य का क्या साथ मिलने वाला है। अब हर कोई व्यक्ति तो अपनी कुंडली नहीं देख सकता, वो ना देखना जानता है, क्योंकि ये ज्योतिषीय भाषा है, ज्योतिषी ही जानते हैं कि इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यही नौ ग्रह हमारे जीवन की हर दिशा और दशा तय करते हैं। ये जब भी नौ ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं, जीवन में तरक्कियां मिलती जाती हैं, भाग्य का साथ मिलता जाता है। और जब यही नौ ग्रह हमारे भाग्य के अनुकूल नहीं होते या उनकी दशाएं नहीं हमारे अकॉर्डिंग होती हैं, यानी कि जब भी हमारे जीवन में 6, 8, 12 की दशाएं चल रही हों, मार्केश की दशाएं चल रही हों, या ऐसा ग्रह जो हमारे लिए फेवर में तो है लेकिन वो बैठा है कुछ इस तरह से है, या उसकी डिग्रियां कम है, तो जीवन में नाना तरह की परेशानियां, हेल्थ, वेल्थ, जॉब, व्यवसाय, रिलेशनशिप, बच्चों के साथ में व्यवहार, सब कुछ हमारा इन्हीं पर निर्धारित होता है, निर्भर करता है। तो क्या करें, क्या इन नौ ग्रहों को ठीक किया जा सकता है, क्या अपने भाग्य को चमकाया जा सकता है? जी बिल्कुल चमकाया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मात्र एक उपाय, मात्र एक ऐसा उपाय जिससे कि आप अपने इन नौ के नौ ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं और अपना भाग्य भी चमका सकते हैं, अपने जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा लास्ट तक देखिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशोदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के सभी वीडियोस समय से आपको मिलते रहें। मेरा 3:11 पर विशेष वीडियो होता है, 7:30 पर लाइव आती हूँ आपके लिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर, साथ में आपके लिए विचार लेकर, तो उन्हें भी देखना आप बिल्कुल ना भूलें। शॉर्ट वीडियोज़ में लव टिप्स देती हूँ, जीवन के छोटे छोटे से उपाय देती हूँ, इन्हें भी करने से आपके जीवन में लाभ के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग बेवजह ही कमेंट करते रहते हैं, इन सबसे कुछ नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है, कर्म करो, फल देना ना देना मेरे हाथ में। अब कर्म भी आप अच्छे ना करो तो फिर आपको फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? वो आप बबूल रहे हैं और चाहते हैं आपको आम मिल जाए तो कैसे मिलेगा? तो अपने ये नौ के नौ ग्रह आपके संतुलित हो जाएं, क्योंकि हर ग्रह का एक अपना डिपार्टमेंट है, हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ देता है। सूर्य आपको हड्डियों का सुख देता है, मान सम्मान देता है, पिता का सुख देता है आपको, आपके जीवन में आपको ऐश्वर्य प्रदान करता है क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। चंद्रमा आपको मन की शांति देता है, मन में आपको जो टेंशन है दुनिया भर की लगी रहती है उनको शांत करता है, आपके धन भाव को मजबूत करता है, धन दिलाता है। इसी तरह से मंगल है आपके अंदर ऊर्जा देता है, आपको साहस देता है। तो कहने का तात्पर्य कि हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ दे रहा होता है। अब जब यही ग्रह अपने जो उसके लाभ के रास्ते हैं वो उसके अवरुद्ध हो जाते हैं या विपरीत हो जाते हैं तो उससे संबंधित चीज़ें आपकी लाइफ में कम होने लगती हैं। और सबसे पहले ये आपको दिखाई देती हैं आपके मानसिक तनाव के तौर पर। सबसे पहले हर ग्रह पकड़ता है तो चंद्रमा को, जैसे ही चंद्रमा पीड़ित हुआ ग्रह अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप ऐसा करें जिससे कि आपके सारे ग्रह मजबूत होते चले जाए? तो उसके लिए है, आप इस नवरात्रि से आप शुरू करेंगे, नवरात्रि की प्रतिपदा से शुरू करके इसको नियमित आपको करना है, इसको बंद नहीं करना है। नवान मंत्र, माता दुर्गा सप्तशती का नवान मंत्र, ये मंत्र अपने आप में नौ ग्रहों को संतुलित करने वाला ऐसा चमत्कारिक मंत्र है। अगर आप नियमित इसकी एक माला जाप कर लेते हैं, यानी 108 बार भी आप जाप कर लेते हैं इसका, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें,
यकीनन आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं, मिरेकल्स होने लगते हैं आपके जीवन में। नव दुर्गा से शुरू कीजिए, क्योंकि नवाण मंत्र नौ ग्रहों को संतुलित करता है। कोई भी ग्रह हो आपके जीवन में, चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि, राहु, केतु, सभी ग्रहों की पीड़ाओं को शांत करता चला जाता है एक ये मंत्र। इतना चमत्कारिक मंत्र है माता दुर्गा का, क्योंकि माता दुर्गा इस जगत की जननी माता कही जाती हैं। माता दुर्गा के समक्ष आप अपनी कोई भी कामना रखते हैं, माता वो आपकी पूरी करते हैं। माता का ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है, आप इसे जप सकते हैं। आप जाप नहीं कर सकते हैं तो इसे सुन भी सकते हैं। आप चला के रख लीजिए इसको शुद्ध अवस्था में। वैसे तो आपको ये इतना छोटा सा मंत्र है, रुद्राक्ष की माला से आराम से आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए ये भी आवश्यकता नहीं है कि आपने कहा कि घर के मंदिर में नहीं बैठ सकते। आप आराम से अपना आसन लगाइए, एक बार संकल्प ले लीजिए, उसके बाद आसन लगाइए, कहीं भी लाल कलर का आसन लगाइए, पैरों के नीचे आसन लगाइए। सोफे पर बैठें या कुर्सी पर बैठें तो पैरों के नीचे भी आसन होना चाहिए, जिससे कि जब इस मंत्र की शक्ति आपके शरीर में जाए तो वो सीधे आपके शरीर में ही रह जाए, ना कि जमीन में चली जाए, क्योंकि आपके पैर नंगे होंगे, यानी कि पैरों के नीचे कुछ नहीं होगा। तो जो ऊर्जा आप इस मंत्र के जाप से ग्रहण कर रहे हैं वो सारी पृथ्वी में चली जाएगी, तो ये वेस्ट हो जाएगी। ये मंत्र आप जब जापेंगे तो इसके जाप के परिवर्तन आपके जीवन में, लाइफ में होने लगेंगे, चमत्कार आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। आप ये चाहें आज आपने एक माला कर लिया, बस हो गया, इससे कुछ नहीं होने जाना। जैसे आपको खाना खाना होता है तो तीन टाइम आपको भूख लगती है, ऐसा नहीं है कि आप सुबह खा लेंगे भरपेट, शाम को आपको खाना नहीं है, रात को आपको खाना नहीं है, फिर भी आपको समय से भूख लगेगी ही लगेगी। तो ऐसे ही जीवन में आपको जो चीज़ें चाहिए उसको संतुलित करने के लिए निरंतर प्रयास करने होते हैं। आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें आप सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं जीवन का हर कष्ट आपका दूर हो जाए, रोग बीमारियाँ दूर हो जाए, निगेटिविटी दूर हो जाए, धन आगमन के मार्ग खुल जाएं, वैवाहिक जीवन आपका सुखी हो जाए, शारीरिक पीड़ाएं हैं, कमर पांव पैर कमर की तकलीफ है वो ठीक हो जाए, आपकी मान सम्मान की प्राप्ति हो, इस मंत्र को आप देखिए जप कर। चेहरे पर आपके एक अजब सा तेज आने लगता है, सामने वाला आपके चेहरे को देखकर हतप्रभ रह जाता है, इतना ये आपके चेहरे पर तेज लाना शुरू कर देता है। हर मंत्र का अपना एक प्रभाव होता है, हर मंत्र अपने आप में पूर्ण है। ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। अब ओम इसलिए लगा दिया है, वैसे तो ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके उच्चारण में कोई गलती हो रही है तो वो ओम के साथ में वो आपकी समाप्त हो जाती है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। एक माला जाप कीजिए, नवरात्रि से शुरू कर लीजिए, नवरात्रि आने वाले हैं, 22 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, और निरंतर करते रहिए। कितने दिन करना है, क्या करना है, छोड़ दीजिए, बस करते चले जाइए। आपने कहा मैं जप नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो आप इसे चला कर सुनिए, सुबह के समय चला कर सुनिए, पर ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस कानों में आपके जा भी नहीं रहा है और बस आपने चला के छोड़ दिया, ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि इसकी एनर्जी आपके शरीर में जाए। इसकी एनर्जी आपके शरीर में जाएगी आपके साथ के साथ चक्र, जो हमारे शरीर के साथ चक्र हैं, ब्रह्मरंध्र जिनको हम बोलते हैं, ये चक्र क्लियर होना शुरू होंगे। जीवन में सब कुछ आपको अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आने लगेगा, इससे इतना चमत्कारिक प्रभाव मिलता है इस मंत्र का। शादी नहीं हो रही है, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको बीमारियां आपकी दूर नहीं हो रही हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा, जो चाहिए वो इस मंत्र के जरिए आप पा सकते हैं। इसको आपको करना है, एक लोटा जल भर के रखिए घर के मंदिर में, एक धूप बत्ती जला लीजिए, साथ में एक घी का दीपक जला लीजिए। अब संकल्प ले लीजिए, अपने ऊपर आचमन जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कीजिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हाथ धो लीजिए, उसके बाद फिर हाथ में जल लीजिए। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और निवास स्थान, महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र और निवास स्थान बोलकर, कामना बोलकर, आपको सर्व सुख की प्राप्ति हो इस कामना के साथ में, हे माता दुर्गा मैं आपके मंत्र का जाप करने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, मुझसे जो भी त्रुटियाँ हुए हैं इस मंत्र के जरिए तो वो मुझे क्षमा करते हो, बस मेरी कामना पूरी कर, मुझ पर अपनी अपार कृपा की दृष्टि, अपना वरद हस्त सदैव मुझ पर बनाए रखें। जल छोड़ दीजिए पृथ्वी पर और नियमित इसकी एक माला आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम को भी। आपने कहा शाम को भी टाइम नहीं है तो रात्रि में कर लीजिए,
रात्रि के समय आराम से हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर आराम से बैठकर कर लीजिए। ये भी नहीं है कि आपको सुबह ही सुबह करना है या शाम को करना है, आप रात्रि में भी कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का जाप आप रात्रि में कर सकते हैं। हाँ, ग्रहों के मंत्रों को हमें सुबह करना होता है, लेकिन ये माता का नवाण मंत्र है, स्वयं सिद्ध है, इसलिए इसका आप संध्या के समय या रात्रि के समय भी आप इसका जाप कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जाप करके देखिएगा, फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका कितना मिरेकल लाभ आपको मिला है। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो वो भी अपना अनुभव जरूर लिखें कितना लाभ मिल रहा है, और उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है तो उसका क्या कारण है, ये भी मैं आपको कमेंट आप करेंगे तो जरूर बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा जरूर। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं 8077506510। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए प्रोसीजर जान सकते हैं, यानी प्रक्रिया जान सकते हैं, कुंडली विश्लेषण की क्या प्रक्रिया है, क्या फीस लगती है, किस कितना टाइमिंग है, क्या आपको देना होता है, क्या आपसे लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और किस तरह से आपको प्रोसीजर है, वो सब कुछ इसमें बताया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहे। आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर आऊँगी 3:11 पर, आप ही आना ना भूलें।